भाइयों और बहनों, 1857 के संग्राम में जन जागरण के लिए कमल के फूल और रोटी का प्रयोग किया गया था। कमल को राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में प्रसारित किया गया था। आज जब हम नए भारत का संकल्प ले रहे हैं, तो फिर उसी कमल के जरिए हम सबको एकजुट होकर आगे बढ़ना है। भाइयों और बहनों, जब आप सभी का समर्थन मिलता है, तभी एक मजबूत और निर्णायक सरकार बनती है। आपकी मजबूत और निर्णायक सरकार आपके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नए भारत का सपना देखा है। एक ऐसा नया भारत जो विश्व में सबसे साफ और भ्रष्टाचार मुक्त लोकतंत्र के रूप में सम्मानित होगा। एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होगी। एक ऐसा नया भारत जहां हर एक व्यक्ति स्वस्थ, सुरक्षित और शिक्षित होगा। एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका प्राप्त करेगा और उसके पास आगे बढ़ने के समान अवसर होंगे। एक ऐसा नया भारत जहां हर मां बहन बेटी को इज्जत की और सुरक्षा की जिंदगी जीने का अवसर मिलेगा। एक ऐसा नया भारत जहां हर किसान को यह महसूस होगा कि खेती करना लाभदायक भी है और सम्मानजनक भी है। एक ऐसा नया भारत जहां हर जवान को यह महसूस होगा कि उसके सम्मान के लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा है। एक ऐसा नया भारत जहां हर व्यापारी को देश के किसी भी भाग में अपना काम करने में सहूलियत होगी। एक ऐसा नया भारत जो विज्ञान के क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी करेगा। एक ऐसा नया भारत जिसकी अर्थव्यवस्था विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगी। एक ऐसा नया भारत जो आर्थिक और सामाजिक प्रगति में सभी नागरिकों की हिस्सेदारी होगी।